अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ना कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है ना, जो 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। उसमें ना डेल की पावर सप्लाई होती है 12 वोल्ट की, उसको ना हाई वोल्ट पावर सप्लाई बनाने के लिए उसकी वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है। तो 12 वोल्ट होते हैं, उसको 13 वोल्ट करते हैं तो फिर बैटरी जो है ना चार्ज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रांसफार्मर लोग यूज़ करते हैं वो सही नहीं रहता, उससे ना ये होता है कि बैटरी ना ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो वो भाई ना कई बार होता है कि ज़्यादा वोल्टेज देने से ना बैटरी ख़राब होने के बावजूद, ख़राब तो नहीं होती लेकिन कभी जल्दी लो हो जाती है, कभी जल्दी चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर की पावर सप्लाई डेल की, ठीक है। ये 9 एम्पीयर की बैटरी है जो जल्दी चार्ज भी कर देती है और ओवर चार्ज भी नहीं करती, ख़राब भी नहीं होने देती, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज भी होते हैं, कम वोल्टेज भी होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 12 वोल्ट भी होते हैं, 24 वोल्ट भी होती है, ठीक है। लेकिन एक बैटरी को 24 वोल्ट पे नहीं लगाते, ठीक है। तो एक बैटरी को टुकड़ा 13 वोल्ट 14 वोल्ट पे करते हैं, लेकिन ये होती है 12 वोल्ट की है, ठीक है। इसमें वेरिएबल एडजस्टेबल होती है, इस तरह की पावर सप्लाई आप ले लेना किसी कहीं से भी, ठीक है। वो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे एडजस्टेबल करते हैं वोल्टेज, ठीक है। ये ज़्यादा वोल्टेज भी होती है, कम वोल्टेज भी होती है। ये इधर है 3.3 वोल्ट 9 एम्पीयर की है मैक्सिमम, और 5 वोल्टेज की है मैक्सिमम, 11 एम्पीयर की है, और 12 वोल्ट और 9 एम्पीयर की है। लेकिन कोई भी पावर सप्लाई हो ना, उसमें एम्पीयर कंट्रोल नहीं होते। कम एम्पीयर अगर पहले से अंदर हो ना एडजस्टेबल, तो फिर हो जाते हैं, अगर अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। तो आज मैं आपको इसमें बताऊँगा कि वोल्टेज को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें खोल के ना एडजस्टेबल वेरिएबल होता है, जस्ट वेरिएबल 5K का होता है। उसको ना एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज दोनों तरह से घुमा के चेक कर लेते हैं, यानी कि कंट्रोल करके चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी पावर सप्लाई को इधर डायरेक्ट पावर सप्लाई देने से ये ऑन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ना काफ़ी सारे तारें होते हैं, काफ़ी सारे ये देखें इस तरह के फंक्शन होते हैं कि ये कंट्रोल नहीं होती, ऑन नहीं होती, ठीक है। ऑन होने का सबूत ये है कि इसमें ये फ़ैन चल जाता है, ठीक है। तो इसमें ना ये ग्रीन तार होती है और एक ब्लैक तार होती है, कोई सी भी ब्लैक तार ले लेनी है और ग्रीन तार को ना आपस में ज्वाइन कर देना, ठीक है। उससे ये होगा कि अपनी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो इस तरह की दो तारें होंगी, येलो और दो ब्लैक होंगी, ठीक है। तो उस पर आपके 12 वोल्ट आ रहे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह से खोल के चेक करवाऊँगा और सारा बताऊँगा भी तरीका का, ठीक है, कि किस तरह वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और किस तरह नहीं बढ़ाया जाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। ये हमारे पास पावर सप्लाई है, ठीक है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई ओके है, ठीक है। तो उसके अलावा ना इसमें ये वोल्टेज एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है। ये 230 वोल्ट की, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ भी रहा होगा, तो ये 115 वोल्ट, ठीक है, 110 के लिए होती है। तो आपने इधर पाकिस्तान में 220 चल रहे हैं, 250 भी चल जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इधर सप्लाई देनी है आपने, मेरे पास वो नहीं है तो मैंने इसलिए टांके लगा लिए, ज्वाइन लगा लिए। इधर आपको ग्रीन तार नज़र आ रही होगी, ये देखना, ये वाली तार और ये ब्लैक तार, ठीक है। कोई भी ब्लैक तार हो ना, ये ग्रीन तार को ब्लैक तार को आपस में आपने ना ज्वाइन कर देना या स्विच लगा देना, ठीक है। इधर से मैंने पहले ज्वाइन किया हुआ है, देखिए। तो मैं आज आपको ना खोल के चेक कराता हूँ कि इसको ना किस तरह से अंदर से करते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते। मार्केट से महंगे महंगे चार्जर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगी 300, 400, 500 की। तो इससे इंशाल्लाह आपका ना कोई भी बड़ी बैटरी हो, 100 एम्पीयर की, 200 एम्पीयर की बैटरी हो, वो अच्छे तरीके से चार्ज हो जाती है। तो और इसके पॉइंट नहीं, ठीक है, ये इस तरह ही खुलेगी, ठीक है। तो ये आपको शायद नज़र इधर आ रहा होगा, ये देखिए, ये वाली है, ये आ रहा नज़र आपको, ठीक है। ये वेरिएबल है और ये पावर सप्लाई है, ये इस तरह ही खुलती है, इसी तरह। और
ज़्यादा ज़ोरदमाई करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ख़राबी हो जाती है चीज़। तो मैं आपको आज चेक करवाता हूँ। तो आपने ना इसको जब भी चेक करना ना सीरीज़ में लगाना, ठीक है? ये मेरे पास सीरीज़ बोर्ड है, ठीक है? इसमें सीरीज़ में लगा के चेक करना है और सीरीज़ में वोल्टेज वगैरह चेक करनी है, ठीक है? ठीक है, तो मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, पहले मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक वोल्टेज सेट किए हुए थे, अभी मैंने कम कर दिया है। आपको ना सारा बता देता हूँ किस तरह से कैसे करते हैं। ये ट्रिप वगैरह भी हो जाती है, ठीक है? ट्रिप भी हो जाती है, ये आपको नज़र आ रही होंगी वोल्टेज। अभी मैं पावर की तार लगाता हूँ सीरीज में, ठीक है? मैंने लगा चुकी हुई है। जब भी पावर की तार लगाएंगे ना आप, तो एक बार सीरीज मीटर पे आपके ना ये रीडिंग शो करेगा, बल्ब चलेगा। देखिए ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है? अभी 12 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है? मीटर पे तो किसी भी शॉर्टेज की वजह से ना सीरीज में लगा हो तो आपके पॉइंट वो ना ट्रिप कर जाता है और शार्ट होने से, पावर सप्लाई जलने से बच सकती है, ठीक है? तो इस तो अब मैं ना आपको ना इधर पावर सप्लाई से वेरिएबल पे वोल्टेज है कम ज़्यादा करके देख कराता हूँ। अभी कम करता हूँ मैं, ये देखिए अब एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूँ, ठीक है? ऐसा ऐसा ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, बिल्कुल कम कम। ये देखें अब वोल्टेज कम होने शुरू हो गए हैं, 11.2 हो गए हैं, ये देखें दे। ठीक है, ये उन्होंने 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक तकरीबन 13.5-15 वोल्ट तक होती है। तो अभी हमने ना ज़्यादा वोल्टेज करने कम, वैसे ही मैंने बताया आपको, अभी इधर से मैं स्टार्ट करूँगा, वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। इसमें रिले वगैरह होती हैं, ठीक है? जो ना इसको ऑन ऑफ करवाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलाना, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा एक बार कर देंगे ना तो कोई भी मसला आ सकता है। जहाँ से वोल्टेज ज़्यादा लाना पड़ेंगे वहाँ इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? ज़्यादा कर रहा हूँ तो ना यार ऐसा अच्छा हो रहा है, देख ही सकते हैं मेरा प्यार। ये 13.5-13 करना हमने, जहाँ जाके ये रुक जाता है ना, फिर समझो कि इसकी मैक्सिमम पॉइंट उधर ही होता है। इसका ये वेरिएबल ड्राइवर होता है, ये एक साइड पे एक ड्राइवर लगा होता है, हमेशा कार्ट की एडजस्टमेंट उसके उसी से ही होती है। तो ये अब 13.5 पे पहुंच गया, तो ये 6 हो गया, मैक्सिमम बैटरी को ना इस पे रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है? इस पे जाकर बैटरी लेवल, ये देखिए मीटर ने भी बता दिया कि बैटरी लेवल होता है, ठीक है? ये इस पर रखते हैं, इस पर ज़्यादा नहीं करते। 13.6, 13.7 और 8 से ऊपर नहीं जाने देते, ठीक है? तो इस पर रखते हैं बैटरी वोल्टेज, आपके इधर इधर ही चार्ज होंगे, इधर ही कम होंगे, इधर ही हाई होंगे, ठीक है? तो आप बड़ी बैटरी भी लगा सकते हैं, छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं। ये तो केबल हिल रही है, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। और मैंने ना ये बोर्ड को सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है? प्राइस को सीरीज में लगाया हुआ, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो आप ना इसको इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, ठीक है? 13 पे रखिएगा। ये देखिए अब मैंने ज़्यादा किए हैं,
इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज की वजह से ये ना पावर सप्लाई बंद हो रही है, ठीक है। अब कम करेंगे तो फिर ये चलेगी। ये देखिए अब से स्टार्ट हो गई है। इसकी ना एक लिमिट होती है कि उस लिमिट से ऊपर जाकर ना पावर सप्लाई बंद हो जाती है। तो आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि किस वोल्टेज पे जाके पावर सप्लाई की ना वोल्टेज बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये सप्लाई बंद होनी शुरू हो जाएगी आपने उधर इसको छोड़ देना है, 13 पे सेट करना है, ठीक है। 12 पे नहीं सेट होनी चाहिए, 13 से ऊपर जितने मर्जी हो ना सेट कर देना आपने। ये देखिए अब 13.5 हो गया, ये सही चल रही है। आगे स्लो हो गया था तो फिर बंद हो गया। तो 13.5 पे रख रहे हैं आप, इंशाल्लाह आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी और हाई एम्पेयर पे चार्ज होगी। ये पावर सप्लाई है, बड़ी बैटरी होगी, UPS की बैटरी होगी और ये आपको ना करंट भी ज़ाया नहीं इतना कर दी, ठीक है। इसमें पावर लॉसेस कम होते हैं क्योंकि ये इन्होंने बनाई स्विच मोड पावर सप्लाई से ही कहते हैं। तो हम इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम ले सकते हैं, लेकिन ये होती है कि बड़े प्रिंटर वगैरह हो गए, प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाते हैं ना हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट के लिए, उसमें होते हैं। लेकिन इसमें करंट को ना कंट्रोल करने के लिए कोई एडजस्टेबल नहीं होती, कई में होती हैं, बहुत कम ड्राइवर मैंने देखे हैं उसमें ना करंट को कंट्रोल करने के लिए एडजस्टेबल होती है, लेकिन बहुत कम है जो हो। ज़्यादातर में ना ये वोल्टेज कंट्रोल ही होती है, ठीक है। इसका मैं मॉडल आपको दे देता हूँ, मॉडल आप देख लीजिएगा और उसी के साथ ही आप जिस भाई को चाहिए हो वो लेके आ भी सकते हैं और अपनी बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो इधर से मैं पावर उतार के आपको दिखा देता हूँ, पावर उतार दी मैंने। अब ये वोल्टेज ऐसा ऐसा करने से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं जिस भाई को भी चाहिए इस तरह के एक मॉडल देख लें। मॉडल है PS1561, ये ही मॉडल होता है, आगे इनका कोड ही होता है 1D1, ये मॉडल होता है, ठीक है। ये 160 वाट की आउटपुट होती है इसकी और ये 100 वोल्ट पे भी चलता है, ठीक है, और 220 वोल्ट पे भी चलता है, 240 और 50 मेगाहर्ट्ज़ से 60 मेगाहर्ट्ज़ स्पीकर होती है। ये सारी रिक्वायरमेंट इधर इनकी लिखी हुई है, ठीक है। तो डेल की पावर सप्लाई है, तो किसी भाई को भी चाहिए वो लेके आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।